Hello my dear students, today I am going to explain the chapter number 1st of class 6. The name of the chapter food, where does it come from? आज मैं आपको चैप्टर समझाने जा रही हूँ फूड के ऊपर. अब ये फूड कहाँ से आता है, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे. तो देखिए, आप रोज़ जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं. ब्रेकफास्ट में आप कुछ और खाना पसंद करते हैं, लंच में कुछ और, नाइट में, डिनर में कुछ और, सपर मील आपका अलग होता है, और डेली डे टू डे आपका खाना जो होता है वो अलग होता है. सेम ही फूड आप डेली खाना पसंद नहीं करते हैं. जैसे आप अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपका लंच कुछ और होता है, स्कूल से आने के बाद आपका खाना पीना कुछ और होता है. तो व्हेन इन योर स्कूल यू विल सी योर फ्रेंड, आप अपने दोस्तों को देखते हैं सभी अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड लेके आते हैं. मान ले कोई इडली लेके आया, कोई राइस करी लेके आया, कोई फिश करी लेके आया, कोई पराठास लेके आए, और पराठा में सब्जी, मैगी लेके आया. तो यू विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, सब में जो होती है वैरायटी ऑफ फूड्स हमें नज़र आती है. तो व्हाट डू वी फाइंड इन फूड को देख के हमें क्या मिलता है, हमें पता चलता है कि हर एक फूड आइटम्स में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं. तो अलग अलग खाने में जो होता है वो अलग अलग चीज़ें मिलकर उस चीज़ों से बना होता है, तो वही हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं. वैरायटी ऑफ फूड जो हम खाते हैं, ये फूड किस चीज़ से बना होता है. जैसे मान लीजिए हम राइस हैं, तो राइस कैसे बनते हैं, राइस को बॉयल वाटर में उबाला जाता है तो राइस बन जाता है. तो राइस को बनाने के लिए राइस और हमें बॉयल वाटर चाहिए, तो ये इंग्रेडिएंट्स है जिससे एक बॉयल्ड राइस बन जाएगा. ऐसे अलग अलग फूड आइटम्स बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए. अगर वेजिटेबल करी बनानी है तो वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन चाहिए. यहाँ पर कुछ आइटम्स है टेबल नंबर 1.1 में. अब इसमें बताया है कि देखिए कैसे बना. रोटी और चपाती बनानी है तो आटा और वाटर, दाल बनाया तो पल्सिस, वाटर, सॉल्ट एंड सॉयल. तो इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों बनाने के लिए हमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए. तो द थिंग्स विच वी यूज टू मेक फूड, दैट इज नॉन एज इंग्रेडिएंट्स. अब फूड मटेरियल एंड सोर्सेज. अब ये फूड मटेरियल एंड सोर्सेज मतलब फूड का मटेरियल कहाँ से आया, वो कौन सी फैक्ट्री या कौन से सोर्स से आया वो हम पढ़ेंगे. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से आए, प्लांट से आए या एनिमल से आए, कौन से सोर्स से राइस आया, किस जगह से वीट आया, कहाँ से पैडी आया, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जैसे मिल्क, एग, मीट, ये कहाँ से आया. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये प्लांट सोर्सेज होते हैं, दाल वगैरह ये प्लांट सोर्सेज है. अब एनिमल सोर्सेज, जो एग मिल रहा है आपको वो एनिमल सोर्सेज है, मिल्क जो मिल रहा है वो एनिमल सोर्सेज है. तो लेट अस टेक द फूड आइटम्स, यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स हैं जिन्हें लिस्टेड किया गया है और उनके इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेज आपको बताने हैं. जैसे कि पहला आपको नज़र आ रहा है इडली. तो जी इडली जो बनती है उसमें क्या क्या मिक्स होता है, राइस, और राइस हमें कहाँ से मिला, उसका सोर्स कहाँ है, प्लांट. उड़द दाल, उड़द दाल जो है उसका सोर्स क्या है, प्लांट. सॉल्ट कहाँ से, स्पाइसेस है. वाटर कहाँ से आया, इसका सोर्स कहाँ है. ऐसे चिकन करी बनानी है तो स्पाइसेस कहाँ से मिलते हैं, चिकन एनिमल से मिलता है, ऑयल और घी प्लांट्स और एनिमल से मिलता है. और खीर बनानी है तो खीर बनाने के लिए मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, राइस हमें प्लांट से मिलता है. इसी तरीके से शुगर के लिए शुगर केन होते हैं. तो सोर्सेज, ये सोर्सेज है और ये चीज़ें किससे मिलके बनी है, वो इंग्रेडिएंट्स हैं. अब व्हाट डू वी कंक्लूड, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि बेसिकली जो चीज़ें हैं वो हमें प्लांट या एनिमल सोर्स से मिलती है. अगर स्पाइसेस की बात करते हैं या कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये सब वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं. अगर मिल्क, कर्ड, पनीर, घी की बात करें तो ये एनिमल से मिलते हैं हमें. वीट की बात करें तो ये हमें प्लांट से मिलता है. तो इन एक्टिविटीज हमने कंक्लूड करा कि मेन सोर्स जो है वो प्लांट और एनिमल है. सबसे पहले हम प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड पढ़ेंगे कि प्लांट जो है वो एज अ सोर्स ऑफ फूड है. जो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. और एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड, उससे हमें मिल्क, मीट, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग मिलता है. जैसे काओ, गॉट, बफेलोज, ये कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो कि हमें मिल्क देते हैं. मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स, मिल्क से ही बनी हुई चीज़ें जैसे बटर है, क्रीम है, चीज़, कर्ड, ये सब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें काओ, गॉट और बफेलो से
मिलता है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड. प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स हैं, हमें क्या क्या मिलता है. हम कुछ लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, वी ईट फ्रूट्स ऑफ. अब कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स के हम रूट्स खाते हैं, समटाइम स्टेम्स खाते हैं और इवन फ्लावर्स भी खाते हैं. तो ऐसा क्या है, किससे हमें ऐसा क्या मिलता है जो हम ये सारी चीज़ें खाते हैं. तो यू विल सी दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ प्लांट. प्लांट में फ्लावर दिखा हुआ दिख रहा है आपको, फ्रूट्स, स्टैम्प, लीफ, और ये ऊपर का पूरा सिस्टम जो होता है वो शूट सिस्टम होता है, नोड है, इंटर नोड है, छोटी सी निकली हुई बड है. नीचे देखिए रूट में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, जो कि रूट सिस्टम है. तो नीचे आपका रूट सिस्टम होता है और ऊपर शूट सिस्टम होता है. तो ये एडिबल पार्ट्स है, ये प्लांट के सारे खाने वाले पार्ट्स हैं जिन्हें खाया जाता है. अब यहाँ पर एक्टिविटी में बताया है, जैसे ब्रिंजल करी बनाई, तो उसमें जो ब्रिंजल है, ब्रिंजल करी बनाने के लिए ब्रिंजल की ज़रूरत है, चिली की ज़रूरत है, ऑयल की ज़रूरत है. तो ब्रिंजल हमारा फ्रूट पार्ट है. ब्रिंजल जो है वो प्लांट के फ्रूट से मिलता है. चिली जो कि स्पाइस है वो भी प्लांट के फ्रूट में से आती है. ऑयल जो कि हमें ग्राउंड नट में से मिलता है, या मस्टर्ड या सोयाबीन में से मिलता है, वो भी प्लांट के सीड पार्ट में से, सीड में से निकलता है. तो ये अलग अलग पार्ट है जिसमें से आपका क्या निकलता है, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं. अब सम प्लांट्स हैव टू और मोर. कुछ ऐसा भी होता है, कुछ प्लांट्स के दो या दो से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट है तो उसमें जो सीड होता है वो ऑयल के लिए यूज़ होता है और लीव्स जो होती है वो वेजिटेबल्स के लिए यूज़ होती है. इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ में बनाना प्लांट है तो उसको फूड बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और फ्रूट भी है वो. तो एक ही प्लांट के, सिंगल प्लांट के दो या दो से ज़्यादा भी पार्ट हो सकते हैं जिन्हें एज अ फूड यूज़ किया जाता है. अब ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, या यू विल सी कुछ फूड आइटम्स हैं, उन आइटम्स को आपको चूज़ करना है, फिर उनके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं कि ये किन चीज़ों से मिलके बने और इनका कौन प्लांट का ये कौन सा पार्ट है जो इसमें यूज़ किया गया है. अगली एक्टिविटी है जिसमें इसने मूंग की दाल ली या चने की दाल ली, उसके सीड्स को इन्होंने कंटेनर को एक वाटर के साथ फिल करा और थोड़े दिन के लिए उसे छोड़ दिया, एक दिन के लिए. जब उसको देखा और वेट कपड़े में उसको डाला तो सीड्स को अलग करा, थोड़े दिन के लिए छोड़ा, तो वो अंकुरित हो गए, होल मूंग और उसके स्प्राउट. ये मूंग की दाल है, उसके बाद वो स्प्राउट फॉर्म में आ गई. तो एक वाइट स्ट्रक्चर इसमें ग्रोन हो गया सीड्स के ऊपर, और यही वाइट स्ट्रक्चर जो होता है वो स्प्राउटेड होता है, जिसे स्प्राउटेड सीड कहा जाता है. इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, अगर हम इसे पानी से नहीं धोए, इसको पानी में ही छोड़ दें और असाइड फॉर अनदर डे, अगले दिन के लिए, तो ये कैसे हो जाएंगे, स्प्राउटेड हो जाएंगे. इसमें से आप देख रहे हैं वाइट कलर का स्ट्रक्चर वो निकल के आ जाएगा, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए. इसी तरीके से चने और ग्राम को अगर किया जाए, पानी में डाल दिया जाए, फिर कपड़े में सुखा दिया जाए तो, और छोड़ दिया जाए, तो इस तरीके का वाइट स्ट्रक्चर आ जाएगा. नेक्स्ट डे सीड स्प्राउटेड हो जाएंगे. फिर स्प्राउटेड सीड्स को धोकर हम खा सकते हैं. इन्हें बॉयल भी किया जा सकता है, फिर स्पाइसेस डाल जा सकते हैं, जिससे टेस्टी स्नैक के रूप में ये काम करता है. अब हनी कहाँ से आती है, आपने देखा है ये बीहाइव बना हुआ है जहाँ पर बीज को रखा जाता है. बीज अपने आप में बजिंग साउंड करती है. बीज क्या करती है, स्वीट जूस के नेक्टर को कलेक्ट करती है, फ्लावर में से उसको चूसती है और उसको हनी में कन्वर्ट करती है और अपने हाइव में स्टोर कर रखती है. फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में भी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर. फ्लावर्स और उनका नेक्टर कुछ ही साल के कुछ ही पार्ट में हमें मिलता है. बीज उस नेक्टर को यूज़ करती है पूरे साल और अपना बी हाइव बनाती है जहाँ पर वो फूड स्टोर करती है एज अ हनी. तो ये मैंने आपको प्लांट्स के बारे में बताया कि प्लांट्स के किस पार्ट से क्या मिलता है हमें और हम उसे कैसे बनाते हैं. व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या ईट करते हैं. आप कैटल रखते हैं या पेट एनिमल रखते हैं, डॉग, कैट, बफेलो और गॉट, तो आप उसको देखते होंगे उनका खाने का पैटर्न जो होता है वो अलग अलग होता है. आपको सभी के एनिमल्स के बारे में नहीं पता होगा कि सभी एनिमल्स क्या क्या खाते हैं. पिजन है, लिजार्ड है, स्मॉल स्टेक मे बी ईटिंग एज देयर फूड. पिजन, लिजार्ड और जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनका खाना जो होता है वो अलग होता है. कुछ एनिमल्स इन्होंने बोला है, लिखे हैं नाम और आपको उसमें बताना है कि कौन क्या खाता है. जैसे बफेलो है, वो ग्रास, ऑयल केक,
है क्रेन्स खाते, कैट स्मॉल एनिमल्स बर्ड्स और मिल्क, इसी तरीके से रेड क्या खाता है, लॉयन टाइगर स्पाइडर हाउस लिजार्ड काओ ह्यूमन बींग्स बटरफ्लाई क्रो एंड अदर्स. तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट फूड्स खाते हैं और इन्हीं फूड खाने की कैटेगरी से हम एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. जैसे कि जो एनिमल्स एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स पार्ट खाते हैं या प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं दे आर कॉल्ड हर्बिवोरस, एंड सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स दे आर नॉन एज कार्निवोरस. जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बिवोरस है, हर्ब्स, और जो एनिमल्स दूसरे एनिमल को खाते हैं वो कार्निवोरस है, दे आर यूजिंग देयर टीथ टू टीयर दैट एनिमल्स. कुछ एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, दे आर ओमनी वॉरस. तो इसमें आपको कैटेगरी बनानी है कि हर्बी वॉरस कौन से हैं, कार्नी वॉरस कौन से हैं. तो आप इसमें आप कैटेगरी इजीली बना सकते हैं, जैसे हर्बी वॉरस हो गई काओ, काओ प्लांट खाती है, ग्रास खाती है. कार्नी वॉरस हो गया लायन, लायन सिर्फ एनिमल को खाता है. ओमनी वॉरस डॉग, डॉग जो बोन्स भी खाता है, मिल्क भी पीता है और प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है. तो वी नो दैट देर आर मैनी अमंगेस्ट वी डो नॉट गेट सफिशेंट फूड, वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री. तो हम देखेंगे कि सभी को ज़्यादा सप्लाई ऑफ फूड अवेलेबल नहीं है, तो हमें कुछ अलग अलग तरीके बताने चाहिए जिससे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फूड आ सके, जिससे फूड ईजिली अवेलेबल हो हम सभी के पास. नाउ आई एम गोइंग टू गिव द शोइंग यू द कीवर्ड्स. जैसे इंग्रेडिएंट्स मैंने बता दिया, एडिबल विच कैन बी ईट जिसे खाया जा सके, नेक्टर जो कि फ्लावर का पार्ट होता है जो कि बर्ड्स जो होती है सक करती है, स्प्राउटेड सीड्स कैसे बनते हैं जब हम सीड्स को वाटर में लेफ्ट कर देते हैं, वेट क्लोथ में उसको सोक करते हैं और फिर उसे धोकर खाते हैं, चाहे उसको हम सिंपली तरीके से या फिर स्पाइसेस डाल के. हर्बीवोरस जो हर्ब्स खाते हैं, कार्निवोरस जो एनिमल्स को खाते हैं और ओमनीवोरस विच ईट मोर. तो इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडी अबाउट कि फूड जो हम खाते हैं वो अलग अलग रिलीजन अलग अलग रीजन्स ऑफ द इंडिया में से डिफरेंट डिफरेंट होता है. जैसे केरला में साउथ इंडियन फूड ज़्यादा अच्छा होता है, इस तरीके से बिहार में राइस ज़्यादा होता है. तो इसी तरीके से आप देखोगे अगर अलग अलग स्टेट्स के बच्चे आपके स्कूल में आते हैं तो दे ब्रिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और मेन सोर्स ऑफ फूड जो है वो प्लांट और एनिमल है. एनिमल जो कि प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोरस, जो ओनली एनिमल्स खाते हैं वो कार्निवोरस, और विच ईट बोथ द एनिमल्स दे आर नॉट omnivorous. Now you will see the question answer. I'm going to explain the question answer. First question is, do you find that all living beings need same kind of food? तुम्हें ऐसा लगता है कि सारे living beings को एक जैसा खाना चाहिए होता है? No. सभी को different kinds of food चाहिए होता है. Name कुछ 5 plants बताओ जो आप खाते हो, plant के part. जैसे पहला हो गया wheat. Wheat जो है वो हमें plant की seed से मिलता है. दूसरा हो गया brinjal. Brinjal जो है plant का fruit है. पटैटो ये प्लांट की स्टेम में से आता है. मस्टर्ड प्लांट जो कि प्लांट की सीड और लीफ दोनों का काम करता है. कॉलीफ्लावर जो कि फ्लावर है, प्लांट के फ्लावर पार्ट में से आता है. अगला क्वेश्चन है आपको, इसने मैच करना है मिल्क कर्ड पनीर घी. ईट अदर एनिमल्स, क्या ये मिल्क कर्ड पनीर और घी आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट? ये सभी जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है. स्पिनेक, कॉलीफ्लावर और कैरेट ये सारी वेजिटेबल्स है. लायन और टाइगर्स ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ईट अदर एनिमल्स. और हर्बीवोरस जो होते हैं वो ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, वो प्लांट और प्लांट से बने प्रोडक्ट्स को खाते हैं. अगला है फ्लिंग द ब्लैंक्स. टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट्स ईट्स ओनली मीट. टाइगर क्या है? टाइगर कार्निवोरस है क्योंकि वो मीट खाता है. डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इट इज अ हर्बीवोरस, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है इसलिए हर्बीवोरस. पैरेट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, पैरेट से प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है. द डैश वी ड्रिंक कम्स फ्रॉम काओ, जो हम पीते हैं जो काओ और बफेलो और गॉट से आता है तो वो है मिल्क. और वी गेट शुगर, शुगर हमें किससे मिलती है? शुगर कैन, केन से. आगे आपके थिंक अबाउट टू डू है, डज एवरी वन अराउंड अस गेट एनफ फूड टू ईट? इफ नॉट तो ये आपको अपने आप एक्सप्लेन करना है कि आपके आसपास अगर सबको प्रॉपर खाना मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो उसका क्या कारण है. व्हाट आर द वेज वी कैन थिंक टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड, आप किन तरीकों से खाने के वेस्टेज को बचा सकते हैं कि खाना वेस्ट ना हो? तो यू विल राइट बाय
yourself. If any query, then you can text. I think you will understand this chapter. Thank you so much.